आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबे और रेस्टोरेंट में मिलने वाली बहुत ही टेस्टी काजू पनीर मसाला की रेसिपी, जो कि अक्सर हम शादियों में भी खाना पसंद करते हैं और ये शादियों में अक्सर बनती है। ये सब्ज़ी खाने में जितनी टेस्टी लगती है, बनाने में उतनी ही आसान होने वाली है। वो कैसे, उसके लिए आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा बनाने में, क्योंकि मैं आपके साथ इसकी सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती जाऊँगी, जिससे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल बनेगी। नमस्कार, मैं हूं कविता, हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल काजू पनीर मसाला बनाने के लिए बेसिक चीज़ है काजू और पनीर। सबसे पहले काजू का देखिए किस तरीके से हम तैयार करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं। अब इन काजुओं को हमें पानी में सोक करना है, तो उसके लिए लेंगे एक बाउल और उसमें डाल देंगे हम इसमें से आधे काजू। आधे को भी रख देंगे क्योंकि हमें फ्राई करने हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम बिल्कुल गर्म तेज उबलता हुआ पानी। देखिए इसमें करीबन एक गिलास हम गर्म पानी डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे काजू जो है ना फीके फीके नहीं रहेंगे। नमक को पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए उठाकर एक तरफ रखेंगे। काजू सोख हो रहे हैं, इतनी देर में हम इसके लिए पनीर को भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पनीर के ये इस तरीके से क्यूब काट के रखे हुए हैं। ये मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैंने पनीर के थोड़े से बड़े साइज़ कट किए हैं। और ये बाकी जो बचे हुए काजू है ना, इन दोनों को अब हम फ्राई कर लेंगे। तो एक कोई भी कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे करीबन 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसे हमें शैलो फ्राई करना है। ऑयल को गर्म होने देंगे और फ्लेम को रखा है यहाँ पर लो टू मीडियम। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे जो पनीर के क्यूब्स हैं ना, इनको इसके अंदर में अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो से मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे, उसके बाद में देखिए पनीर को इस तरीके से हम पलट देंगे। हमें पनीर को दोनों तरफ से फ्राई करना है। सारे पनीर को देखिए इस तरीके से अब पलट देंगे, क्योंकि एक तरफ से सिक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे क्या है ना, पनीर जो है हमारा वो फीका फीका नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट के बाद में देखिए पनीर दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गया है। अब सभी को अलट पलट कर लेंगे। पनीर ये फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर में। देखिए पनीर जो है बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। इससे ज़्यादा पनीर को हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो पनीर जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। अब इस पनीर को उठा के एक तरफ रखेंगे। अब बचे हुए ऑयल में ये हम काजुओं को फ्राई कर लेंगे। काजुओं को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी रोस्ट होते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ेंगे नहीं। और देखिए इन्हें हम बस थोड़े से पिंक कलर के होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है कलर इनका। देखिए काजू जो है हमारे 2 मिनट में फ्राई हो गए हैं। ये जो काजू है अब ये तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने काजू को भिगो के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए काजू फूल करी है, ऊपर आ गए हैं और ये अच्छे से सोख हो चुके हैं। अब इसका हम निकाल देंगे पानी। तो एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रख के काजुओं के पानी को अलग कर देंगे। देखिए इसका पानी, देखिए अब ये नीचे से कितना गंदा हो गया है। काजुओं में बहुत गंदगी होती है जो धोने के बाद पता पड़ती है हमें। अब इन काजुओं को हम डालेंगे मिक्सर के जार में, जो कि इसे ग्राइंड करना है। और इसमें डाल रही हूँ मैं ये 1/4 कप फ्रेश दही। दही खट्टा नहीं हो इस बात का ध्यान रखें, ये मैंने घर में ही जमाया हुआ है। एक डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची और इसका कैप लगाकर इसे अब ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद में ये बिल्कुल फ्रेश क्रीम की तरह से तैयार हो गया है। हम इसमें कोई भी क्रीम नहीं डालेंगे, मलाई भी नहीं डालेंगे। उसके बाद भी ये सब्ज़ी जो है आपकी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए हमारी इसकी बेसिक चीज़ें तैयार हो गई है। पनीर को फ्राई कर लिया है, काजू फ्राई कर लिया है और दही और काजू का जो मसाला है ना वो भी रेडी हो गया है। अब इसकी ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो हम वही वाली कढ़ाई लेंगे जो भी हमने फ्राई करने में ली थी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून के करीबन है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये जीरा, कुछ खड़े गर्म मसाले, 1 तेज़पात, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्ची। अब इन्हें हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि इनका जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के ये बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इन्हें बिल्कुल बारीक काट कर ही डालना है। या तो चॉपर में चॉप कर लीजिए या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में इन्हें चर्न कर लीजिए, पेस्ट नहीं बनाना है। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है।
देखिए ये जो हमारी ये प्याज है ना, ये 80% कुक हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच भर के। इसमें मैंने 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली थी और 2 इंच अदरक का टुकड़े को ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद इसमें यहीं पे डाल देंगे 1 हरी मिर्ची के 2 टुकड़े करके। अब इसे हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। देखिए ये प्याज जो है ना हमारी, बहुत अच्छे से अब भुन चुकी है। आप देखिए थोड़ा सा इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ ये टमाटर। टमाटर को भी बिल्कुल हमें बारीक काट के डालना है। ये मैं आपको ढाबा स्टाइल बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये टमाटर ऐड किया है। इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया, साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने पनीर में भी डाला था और थोड़ा सा नमक हमने काजू को भिगोने में भी डाला था, तो नमक उसके हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में, जब तक इनका ऑयल इसमें से नहीं निकल जाएगा ना, हमें इसको जब तक भूनना है। 2 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये जो होता है ना मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे सब्जी के अंदर में कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब देखिए मसाला ये अच्छे से भुन गया है, इससे ऑयल जो है ना अलग हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम काजू और दही का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को रख लेंगे यहाँ पर हम लो टू मीडियम और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और हमें इसे काफ़ी अच्छे से भूनना भी है। तो देखिए आप ये कितना अच्छा लग रहा है ना कलर इसका। साइड में जो भी जो लगा रहेगा ना मसाला, उसको भी निकाल कर बीच में ऐड करेंगे और इसे अब हमें बिल्कुल ऑयल रिलीज होने तक भूनना है। देखिए इसका 2 से 3 मिनट के बाद में ये ऑयल जो है ना अलग होने लगा है। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसे और भूनेंगे। तो देखिए और 2 मिनट भूनने के बाद में इसमें से ऑयल जो है बहुत अच्छी तरीके से अलग हो गया है, क्योंकि काजू ने भी अपना ऑयल रिलीज़ किया है, दही ने भी अपना घी छोड़ा है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम ये 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमें बिल्कुल भुनने के बाद में मसाले के डालना है, इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे 2 मिनट अभी हम और भूनेंगे। तो देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे उसी मिक्सर के जार में 1 कप पानी डालकर, जिससे जो लगा हुआ जो है ना उसमें दही और काजू वो भी इसमें आ जाएगा। पानी को इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इस मसाले के साथ में पानी को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपको सब्जी का कलर और टेक्सचर देख के ही लग रहा होगा कि ग्रेवी जो है हमारी एकदम परफेक्ट तैयार हो रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। ढक कर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद इसमें चेक करेंगे, आप देखिए ग्रेवी आप ये कितने अच्छी तरीके से कुक हो गई है और ये कितनी थिक भी हो गई है। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ जिससे जो दही की खटास है ना वो इसमें मेंटेन हो जाएगी, खट्टा पर नहीं आएगा। अब यहीं पर डाल देंगे हम ये हमने जो काजुओं को तैयार किया था ना फ्राई करके, वो ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे काजू तले हुए, थोड़े से मैंने छोड़ दिए हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसे अभी अभी और कुक करना है हमें। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें गर्म मसाला, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मिक्स करने के बाद में अब इसे हम और ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर और कुक कर लेंगे। देखिए उसके बाद में चेक करेंगे सब्जी में, देखिए ऊपर आप ये ऑयल कितने अच्छे से आ गया है और सब्जी जो है हमारी बिल्कुल बढ़िया तैयार हुई है। फ्लेम को बंद कर दिया है। लीजिए काजू पनीर मसाला जो है एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल बन के तैयार हुआ है। देख के आपको लग रहा होगा इसका किस टेक्स्चर कैसे आया है। अभी सब्जी को सर्व कर लेते हैं। आप इसके साथ में रोटी पराठा चाहे राइस भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो उसके साथ में आप इसे बना सकते हैं। बहुत आसानी से सब्ज़ी बनकर घर में तैयार हो जाती है, इसलिए एक बार इसे आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए इसमें लास्ट में डाल देंगे हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ये काजू और थोड़े से डाल देंगे धनिया की पत्तियाँ। ये हमारी होटल एवं रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला तैयार है। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और इसे शेयर जरूर करें। साथ ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।